हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं गांव आई हूं छठ पूजा के लिए, तो ये आज जो है खरना का दिन का ब्लॉग है दोस्तों। और यहां पे हमारी सासू माँ सुबह आना कि 10 बजे से गेहूं धोई, गेहूं को यहाँ पर उखा रही हैं छत पर। सुबह ही हम छत को धो दिए थे और यहाँ पर जो छठ पूजा करते हैं तो उन्हीं लोग का गेहूँ है, सिर्फ मेरा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, अभी मिल रहे हैं आप सभी से शाम के टाइम। और यहाँ पे हमारी चाची सास है और हमारी सासू माँ है। कितना चावल पिसाना है, कितना गेहूँ पिसाना है, तो देखिए गांव में ना इसी तरह नाप तोल के काम किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी चाची सास और हमारी सासू माँ दोनों मिल करके जो है कि कर रही हैं, चावल तोल रही हैं और अभी जाएगी पिसाने के लिए मिल में। इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे हैं। और देखिए, सुबह ही जो हम वीडियो शूट किए थे उसके बाद नहीं वीडियो हम बनाए थे, क्योंकि हम चले गए थे मार्केट पूजा का सामान लाने के लिए। और अभी आप सभी से हम मिल रहे हैं और अभी हम देखिए अपना नहा करके रेडी हो गए हैं। आप लोग सोचते हैं कि रात में हम क्यों नहाए हैं, तो आज है खरना और खरना की अभी जा रहे तैयारी करेंगे। तो सुबह हम नहाए थे और उसके बाद फिर अभी हम नहा लिए हैं और आन से यहाँ पे देखिए बैठा है। तो चलिए देखिए, हम नहा धो लिए, अब चलते हैं प्रसाद बनाने के लिए। और मम्मी जी क्या क्या कर रही हैं वो सब भी आप सभी को दिखाएंगे, और कैसे खरना का जो है कि पूजा होता है गांव में वो सब भी आप सभी को दिखाएंगे। चलिए आप सब भी बने रहिए वीडियो में। तो मैं आ गई हूँ यहाँ, जिस रूम में पूजा करेगी हमारी मम्मी जी, तो उसी रूम में प्रसाद हम बनाएंगे। खरना का प्रसाद आज बनेगा, चावल का खीर। और यहाँ पे मैं चौका लगाऊंगी पहले, उसके बाद यहाँ पे चूल्हा को मैं रखूँगी। और जो बर्तन होता है ना छठ पूजा का, वो बर्तन अलग से उसमें रखा जाता है, उस बर्तन में नमक में नहीं सटाया जाता है दोस्तों। छठ पूजा का स्पेशल बर्तन रहता है। तो देखिए यहाँ पे चूल्हा में मैं सेंदूर लगा के और चूल्हा भी जला दी हूँ। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी अब खीर। और यहाँ पे मम्मी जी बलग में बैठी हैं, तो वो बता भी रही हैं कैसे कैसे क्या करना है। तो आज ना मैं मार्केट चली गई थी, इस वजह से ना मैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लेट हो गया। मार्केट में छठ पूजा में ना भीड़ बहुत रहती है, और सामान भी खरीदना था छठ पूजा का, इसीलिए हम और अंकुश के पापा दोनों चले गए थे मार्केट। मार्केट से हम आ ही गए थे जल्दी ही, टाइम तो लगा था, लेकिन मम्मी जी का कपड़ा नहीं खरीदाया था जो कि छठ पूजा करेंगी पहन करके, तो वही साड़ी को जो है ना हमें सुखाने में ना बहुत लेट हो गया था, क्योंकि शाम को मैं धोई थी, जैसे आई थी वैसे ही धो दी थी, लेकिन 4 बजे ही धोई थी लेकिन सूखा नहीं था उस वजह से ना। और हमारी मम्मी जी को पूजा करने में जो है ना 10 बज गए थे। तो देखिए यहाँ पे मैं प्रसाद बना ली हूँ और इसे मिट्टी का जो बर्तन है इसी में जो है कि पूजा अभी करेंगी, भोग लगाएंगे छठी मैया को। तो हम सब चीज़ रख देंगे और उसके बाद मम्मी जी आएंगी पूजा करने के लिए। और फल भी हम काट लिए हैं धो करके, और इसमें गुड़ मिलाया जाता है, गुड़ का प्रसाद बनाया जाता है। हमारे यहाँ पे ना मम्मी चावल ही बनाती है, उसके बाद बाहर में निकाल करके फिर गुड़ मिलाते हैं। तो हम मिला मिला के चावल में रख दे रहे हैं, सब चीज़ यहाँ पे हम कर देंगे, पूजा का सामान जितना भी है कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद मम्मी जो है कि आएंगे और बलग में बैठ के मम्मी जो है हमें बता रही हैं, और यहाँ पे वीडियो जो है ना आन से शूट कर रहा है। और अंकुश ना पता नहीं उसको क्या हो गया है, वो वीडियो बनाने के लिए चाहता ही नहीं है, और स्टैंड हम लेके आए नहीं हैं वहाँ से, तो इस वजह से ना वीडियो बनाने में थोड़ी सी ना दिक्कत हो जाती है हमें। और सभी लोग ना अभी सो गए थे, ज़्यादा लेट हो जाने के कारण ना सभी लोग जो है ना सो गए हैं, बच्चे लोग सभी को अभी जो है कि जगाना पड़ेगा हमको, क्योंकि सब लोग सो गए हैं। और ना मैं जल्दी जल्दी ही कर रही थी कि जल्दी से हो जाए, लेकिन जब लेट होता है ना तो लेट हो ही जाती है, और हमें भी लग रहा था कि काफ़ी जो है ना ज़्यादा लेट भी हो गई है पूजा पाठ में।
दोस्तों छठ पूजा जो है महापर्व है और ये बिहारियों लोग का बहुत बड़ा पर्व है और अभी तो हर जगह मनाया जाता है। और यहाँ पे देखिए मम्मी को मैं लहठी पहना रही हूँ, लहठी पहन के करेंगे अभी और साड़ी भी पहनेगी, तो मैं यहाँ पे मम्मी को तैयार कर रही हूँ। बहुत जगह पे जो है कि सुहाड़े बनते हैं, जैसे रोटी बनाते हैं घी में डाल के, लेकिन यहाँ पे नहीं बनाते, यहाँ पे बस चावल का खीर ही बनाते हैं दोस्तों। और यहाँ पे हमारे मम्मी जी आ गई हैं पूजा करने के लिए। तो अभी बलग में छठ पूजा जो है कि नहीं हो रहा है बहुत सारे घर में, तो उन लोगों के घर से भी आया है हमारे यहाँ घर करने के लिए। चलो बाबू जान दो ना रगमार लोटकी में दूध है। प्रसाद खाने के लिए जगह था ना, तो क्या चलो जल्दी जल्दी प्रसाद ले लो। आजा 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 आंस अब लेगा प्रसाद, ये बहुत इंतजार कर रहा है। तब कौन खाएगा देखिए इसको लड़का। जल्दी से खा उसको प्रसाद, जल्दी खा खा जल्दी से।